जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे सन 2022 में छोड़े जाने वाले गगनयान के बारे में और जानेंगे इसमें कितनी लागत आएगी और इसमें कितने यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे और पूरी डिटेल जानेंगे। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि भारत सन 2022 में अंतरिक्ष यान भेजेगा और इसमें अपनी तरफ से हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी सैटेलाइट भेजी हैं, हमने मंगलयान भेजा है, हमने चंद्रयान भेजा है, लेकिन अभी तक हमने अंतरिक्ष में हमने कोई भी मानव नहीं भेजा था। अगर मानव को भेजते हैं तो उसको वापस भी लाना होता है, तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसरो इसके लिए काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था और उसने कुछ टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया था। लेकिन 28 दिसंबर को जो कैबिनेट ने मीटिंग की थी उसमें गगनयान के नाम से जो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा यान, उसके लिए जरूरी बजट का इंतजाम कर दिया था। इसमें करीब करीब 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा और इसको 40 महीने के अंदर इसरो को तय समय सीमा के अंदर लॉन्च करना होगा। तो ये सन 2022 में लॉन्च होगा। गगनयान को लॉन्च करने का मकसद दूसरे देशों को अपनी अंतरिक्ष और विज्ञान की ताकत का एहसास कराना है, क्योंकि भारत करीब करीब 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला देश है और चीन ने भी पहले अब अंतरिक्ष यात्रियों को हमसे पहले अंतरिक्ष में भेज चुका है। तो हमें दुनिया को दिखाना है कि हम 130 करोड़ की आबादी वाला देश किसी से पीछे रहने वाला नहीं है किसी भी फील्ड में। गगनयान को लॉन्च करने के बाद भारत चौथा देश हो जाएगा जिसने अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश भारत हो जाएगा जो अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक यात्रियों को पहुंचा चुका होगा। इससे पहले भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जा चुके हैं, लेकिन वो रूस के सीओज T-11 के अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला भी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, लेकिन ये भारतीय मूल की थी लेकिन वो विदेश में रहती हैं। गगनयान को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए GSLV Mark III का यूज किया जाएगा और ये क्रायोजेनिक इंजन है और ये हैवी लिफ्ट के लिए काम में आते हैं। ये ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम है अंतरिक्ष में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस और एयरोस्पेस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। गगनयान को लॉन्च करने के में काफी ज्यादा चुनौती है, क्योंकि देखिए आप, अगर मंगलयान है या चंद्रयान है, इनको तो खाली लॉन्च किया जाता है और ये वहां पे उनके ऑर्बिट में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अगर गगनयान को हम लॉन्च करेंगे उसमें करीब करीब हमारे 3 जो अंतरिक्ष यात्री भारत के जाएंगे अंतरिक्ष में, तो वापस उनको री एंट्री भी अर्थ में करवानी होगी, जो अर्थ है हमारी उसमें वापस भी लाना होगा। तो ये थोड़ी टेक्निकल और थोड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसरो ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है और इसमें कुछ और सुधार किए जा रहे हैं। इसरो के पास खाली 40 महीने का वक्त है। अभी तो इसरो को ऐसे यात्रियों का चयन करना है जो अंतरिक्ष में जा सकें और एज ए एस्ट्रोनॉट वहां पर काम कर सकें, क्योंकि वहां पर मेंटली और फिजिकली फिट रहना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है और इसके लिए अभी उनको जीरो ग्रेविटी में अभ्यास भी कराया जाएगा। करते हैं लाइफ सपोर्ट की। एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्रू मॉड्यूल में इंसान को आराम से रहने की सहूलियत मुहैया कराता है। इसके अंदर धरती जैसा ही माहौल तैयार किया जाता है। यह तकनीक केबिन के दबाव, हवा के घटकों, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने, तापमान नियंत्रित करने सहित कई इमरजेंसी कामों में काम आती है। इसरो के सामने चुनौतियां अनेक हैं, लेकिन इसरो जानता है उनसे कैसे पार आना होता है और उनका समाधान निकालने में इसरो ने हमेशा महारत हासिल कर ली है। चाहे वो गगनयान हो, अभी वो लॉन्च होगा भविष्य में, चाहे वो मंगलयान हो, चाहे वो चंद्रयान हो, और हैवी से हैवी जो सैटेलाइट है उनको सफलतापूर्वक जो हमारा इसरो है वो हमेशा स्थापित करता है। तो हम उम्मीद करते हैं गगनयान हमेशा की तरह ही इसरो का एक कामयाब मिशन होगा और पूरे 130 करोड़ देशवासियों की बधाई और पूरी जो दुआएं हैं वो इसरो के साथ हैं। तो देखते हैं सन 2022 जल्दी से जल्दी आए और हम और आप सभी इसका इंतजार करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और अगर आप लाइक करते हैं तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।